अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। सबसे पहले इसको समझते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक क्या है और द थर्ड वन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या है, फिर आगे हम इसके करेक्टरिस्टिक और आगे जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट वन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, पहले इसको समझते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एस सी क्वेश्चन इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मैं एक क्रिस्टल ड्रा करता हूं हैविंग यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, ये कंसीडर किया। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हम उस क्रिस्टल को कहते हैं जहां पर लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हो, ओनली वन हो, या आप एटम भी कह सकते हैं। लेटेस्ट पॉइंट इज व्हाट, वन। अगर किसी ने लेटेस्ट पॉइंट्स की वीडियो मेरी पहली नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए ताकि ये समझ आए, उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो लेटेस्ट पॉइंट की तादाद कितनी हो, ओनली वन हो, या आप एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, एटम की तादाद कितनी हो, वन हो। ठीक है, और यहां पर कॉर्नर्स पर लेटेस्ट पॉइंट्स पड़े होंगे या एटम पड़े होंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ये, वन लेटेस्ट पॉइंट, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, टोटल एट पॉइंट हुए। अब मैंने इसका एक पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, ये देखिए ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया, तो इस पॉइंट का एक क्रिस्टल, यानी ये मैंने क्रिस्टल कंसिडर किया। सो ये थ्री डायमेंशन है, मैं आपको इस तरह समझाता हूं। इधर एक्चुअली क्रिस्टल की कोई चीज नहीं, इससे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्यूबिक क्रिस्टल जो थ्री डायमेंशन है। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक ये एट पॉइंट टोटल इस तरह है। ठीक है, अब मैंने ये इस क्रिस्टल को कंसीडर किया, इस क्रिस्टल के साथ एक क्रिस्टल इसी तरह एक और यहां पर पड़ा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हुआ, इसके साथ हाफ डिवाइड हुआ, यहां पर जो एटम पड़ा होगा आधा इसने लिया आधा उसने लिया। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ भी एक एटम पड़ा होगा ना, एक इस तरफ पड़ा है एक इस तरफ पड़ा है। ठीक है, यहां देख लीजिए आपको, एक इस तरफ पड़ा है इस तरह, तो इसने आधा इसके साथ डिवाइड कर दिया आधा इस वाले के साथ, और इसके साथ भी एक और भी पड़ा होगा, यानी एक इधर पड़ा होगा, ये देख लीजिए आप, एक इस तरह एक इधर पड़ा होगा, एक एटम ये हो गया, एक एक क्रिस्टल ये हो गया, एक क्रिस्टल ये हो गया, ये लेटेस्ट पॉइंट है। सो ये कंबाइन करेंगे, यानी ये पॉइंट इसके साथ भी शेयर करेगा, एक इधर भी पड़ा होगा एक इधर भी पड़ा होगा, चार तो ये हो गए, इसी तरह चार नीचे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहां पर एक क्रिस्टल यहां पर पड़ा होगा, एक नीचे तीन, एक यहां पर चार, और इसी तरह एक इधर पांच, एक इधर छह, एक इधर सात, एक इधर आठ। तो कितने एटम ने, एक इलेक्ट्रॉन को कितने एटम ने शेयर किया, फोर एटम ने शेयर किया। ठीक है, तो इस पॉइंट का, यानी ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, आधा हिस्सा ऊपर जाएगा, यानी वन ओवर एट पॉइंट जो आठवां हिस्सा है वो इसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक एटम यहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट अगर मैंने कंसिडर किया, तो एक यहां पर आया दो, एक नीचे आया तीन, एक इधर आया चार, एक इधर आया पांच, एक इधर आया छह, एक इधर सात और एक इधर आठ। तो आठ एटम ने ये एटम क्या किया, शेयर किया। सो इस वाले क्रिस्टल को कितना हिस्सा मिला, वन ओवर एट का हिस्सा मिला। ठीक है, इस क्रिस्टल इस पॉइंट से, इस एटम से कितना हिस्सा मिला, वन ओवर एट। अब इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, वही फिनोमेना है, एक इधर का क्रिस्टल दो पिटवा एक इधर के क्रिस्टल के साथ शेयर करेंगे, एक ऊपर वाले के साथ तीन, एक इधर वाले के साथ चार, और इसी तरह उस वाले उस तरफ भी एक दो तीन चार बनेंगे, यानी इस पॉइंट को भी क्या होगा, आठ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, तो सेकंड हिस्सा मिलेगा एक बटा आठ। ठीक है, इसी तरह इसका भी होगा, इसी तरह इसका भी, इसका भी, इसका भी, तमाम पॉइंट्स के जो होंगे वन ओवर एट हिस्सा, यानी आठवां हिस्सा वो एटम का या लेटेस्ट पॉइंट का इस क्रिस्टल को मिलेगा। सो अगर आठवां हिस्सा मिलेगा, इस पॉइंट का भी आठवां हिस्सा मिलेगा, इस पॉइंट का भी आठवां हिस्सा मिलेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, टोटल एंगल कितने हैं, आप इसको देख लीजिए, टोटल कितने लेटेस्ट पॉइंट है, वन ओवर एट हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, और कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट पॉइंट है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एट, एट मल्टीप्लाई विद एट, एट एट के साथ हो जाएगा वन, सो देयर विल बी वन लेटेस्ट पॉइंट, यानी कि इसके कॉर्नर्स पे जितने भी लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो सिर्फ ओनली वन होंगे। यहां पर आप देख रहे हैं ये थ्री डायमेंशन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये थ्री डायमेंशन है। एक क्रिस्टल मैंने ये लिया, ठीक है, एक क्रिस्टल इसका मैंने ये लिया, एक इसके साथ इस तरह आएगा, दो एक इसके साथ इस तरफ आएगा, ये देख लीजिए मार्कर से शायद आपको समझ आ जाए, इंशाल्लाह मार्कर से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक एटम, ये वाला एटम कंसीडर किया, ठीक है, ये आप देख लें, ये एटम मैंने कंसीडर किया। ठीक है, एक एटम को ये कंसीडर किया, अब इस एटम का जो ये लेटेस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, एक एटम या लेटेस्ट पॉइंट जो भी आप कहें, ये इसके साथ भी शेयर होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, साथ में फिर क्या होगा,
इनके साथ भी हो गया, यानी इधर इधर इसके साथ भी ये क्या करेगा, ये पॉइंट हमने ये लेटेस्ट पॉइंट कंसीडर इसके साथ भी ये शेयर करेगा, तो टोटल कितने एटम्स को शेयर, टोटल कितने क्रिस्टल इस एटम को शेयर करेंगे, एट, यानी एक क्रिस्टल को कितना हिस्सा मिलेगा, वन ओवर एट का हिस्सा मिलेगा, और वन ओवर एट का हिस्सा एक क्रिस्टल का मिलेगा, तो टोटल कितने हैं, एट है, तो टोटल कितने इसको मिलेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो वन लेटेस्ट पॉइंट या वन एटम विल बी गिवन, ठीक है, ये थी बाद में से करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सिर्फ समझ लेते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, सिंपल क्यूब दिखोगा, दूसरा है बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या है, फिर इसी तरह क्रिस्टल ड्रा करेंगे, लेकिन इस दफा ये बॉडी सेंटर जो है वो एफसीसी और बीसी से बिल्कुल सिंपल है, यहां पर हम क्रिस्टल ड्रा करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल ड्रा किया, क्रिस्टल के पॉइंट होंगे इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर इधर, 17 पॉइंट होंगे। अब इस क्रिस्टल में लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें 1, अब यहां पर 2 होंगे, कैसे 2 होंगे, पहले तो अगर मैंने सिंपल कंसीडर किया, ये एक सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, तो इसका लेटेस्ट पॉइंट कितना है, 1, ऑब्वियसली मैंने निकाल दिया 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें बीसीसी में क्या होगा, सेंटर में, इस क्यूबिक के सेंटर में भी क्या होगा, एक लेटेस्ट पॉइंट पड़ा होगा, सो 1 विल बी हियर एंड नाउ 1 इज हियर, सो ये कितने हुए, 2, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, सो यहां पर लेटेस्ट पॉइंट्स या एटम की तादाद कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि एक लेटेस्ट पॉइंट जो है वो इससे मिलेगा इनको, और दूसरा जिसके सेंटर में पड़ा होगा, ठीक है। तो ये बीसी से करेक्टरिस्टिक बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको ओनली समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है, व्हाट, थर्ड वन इज एफसीसी। मैंने पहले लेक्चर में ही कहा था कि जिसकी इमेजिनरी पावर स्ट्रांग है, जिस बंदे की इमेजिनरी पावर यहां पर स्ट्रांग है, तो उसको आसानी से समझ लेगा, अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक है। एफसीसी, एफसीसी क्या है, एफसीसी को हम इस तरह समझेंगे, एक क्रिस्टल लेंगे और ये पॉइंट इस तरह नहीं पड़े होते, इस पे ये पॉइंट इस तरह पड़े होते हैं, ये देखिए इस तरह 1 पॉइंट, दूसरे का ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस तरह इस तरह इस तरह पड़े होते, ठीक है। अच्छा, अब ले लेते हैं हम क्या, एफसीसी, एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी आल्सो वेरी सिंपल, ये देखिए 1.2.3 4 5 6 7 मैंने ड्रा किया, ठीक है, हैविंग यूनिट वेक्टर। अब यहां पर देखें, पहले मैं स्टेप वाइज जाता हूं, ठीक है, पहले ये बताइए, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितने, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कितने लेटेस्ट पॉइंट होंगे, ओबियसली कितने, 1। ओके सर, समझ आ गई। अच्छा, फिगर 1, अब मैंने इसका क्या कर दिया, सेंटर में छोड़ो, इधर मैंने फेसेस कितने हैं, ये यानी कि मैं अगर कहूं ये मैंने क्यूबिक क्रिस्टल लिया, ठीक है, अब इस क्यूबिक क्रिस्टल के कितने फेसेस होंगे, तो देखिए एक ये हुआ, दो, एक दो तीन और एक इस तरफ 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे, ये फेसेस होंगे ना, ये इसकी मोटाई थोड़ी छोटी है, तो ये 6 फेसेस इसके होंगे ना, तो यहां पर इसके कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और हर फेस के सेंटर पे क्या होगा, एक एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहां पर, एक इसकी उस वाले सेंटर पर, एक इस वाले सेंटर पर, इसी पर इस वाले सेंटर पर, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, सिंपल। इसके कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, और 6 फेसेस पर क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब ये देखिए, इस फेसिस के पास एक पॉइंट, इस फेस के पास एक पॉइंट, इस फेस के पास एक पॉइंट, इस फेसिस के पास एक पॉइंट, और एक यहां पर 6 यहां पर है। अब ये जो लेटेस्ट पॉइंट है वही पुरानी बात है, अगर एक सेंटर, इस सेंटर का ये मैंने एक क्रिस्टल कंसीडर किया, इसके फेसिस पे एक पॉइंट है, ठीक है, दूसरे इसके साथ एक क्रिस्टल कंबाइन होगा, यानी इसके साथ एडजेसेंट एक और क्रिस्टल होगा ना, यानी एक क्रिस्टल कंसीडर किसके साथ एक और क्रिस्टल होगा, तो इस क्रिस्टल का जो ये पॉइंट है, उस पॉइंट का आधा हिस्सा ये वाला एटम लेगा और आधा हिस्सा ये वाला एटम लेगा, सो 1/2, यानी एक 1 पॉइंट का एक फेस का आधा हिस्सा इसको मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक फेस का आधा हिस्सा मिलेगा तो दो फेस का कितना मिलेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितने हैं, यानी एक फेस का, अगर मैं कहूं एक फेस का आधा हिस्सा कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ना, सो यहां पर 6 फेसेस है और हर फेसेस का आधा आधा हिस्सा मिल रहा है, कितने फेसेस है, जब 6, जब 6 फेसेस है, हर फेस का कितना हिस्सा मिल रहा है, आधा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 3 = 6, यहां पर क्या होगा, 1 + 3, so the total number will be 4. So FCC is a crystal face cubic, face center cubic crystal, face center cubic unit primitive cell, जहां पर क्या होगा, जहां पर उसके जो latest points होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, BCC में कितने होंगे, 2 होंगे, SC में कितने होंगे, 1 होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।
अब आते हैं आगे इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं करेक्टरिस्टिक लिखने वाला हूं, ठीक है। अब क्या थोड़ी छोटी छोटी इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। फेस एंड कर्व ये हो गया, ठीक है, तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यहां पर इसके सेंटर पे एटम नहीं है, ओनली कॉर्नर्स पे क्या है, एटम है, और यहां पर इसके कॉर्नर्स पे भी है, सेंटर पे भी है, और यहां पर एफसीसी का ड्रा करना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये ओनली प्लेन है और एफसीसी पे पॉइंट थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। दिस वन अब यहां पर इसका क्या होगा, एक यहां पर इसके हर फेसिस पे भी होगा, ठीक है, यानी इसके हर फेसिस पे एक एक एटम होगा और साथ ही साथ कॉर्नर्स पे भी एटम होगा, और साथ ही साथ हर फेस जो होगा वो अपना हाफ हिस्सा कंसिडर करेगा, हाफ हिस्सा दूसरे क्रिस्टल को देगा, हाफ इसको देगा। और इसका कन्वेंशनली जो वॉल्यूम है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम जो होगा तीनों का वो क्या होगा, कन्वेंशनली लिया है तो हमने ये यूनिट लिए है, सब यूनिट ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने लिए हैं, ये कितने लिए हैं, यूनिट लिए हैं, और तीनों साइड्स बराबर होंगे, यानी ए बी और सी, थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन ए बी सी, ए बी सी के जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा बिकॉज यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर इसको हम ए बी सी की जगह ए कंसिडर कर तीनों को, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, और इसका भी ऑब्वियसली ए क्यूब होगा, इसका भी ए क्यूब होगा। अब देखिए इसके जो यानी लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट सेल कितने हैं, यानी लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, मैंने पहले वो बता दिया, इसमें कितने लेटेस्ट पॉइंट है, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल में कितने लेटेस्ट पॉइंट है, लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट क्रिस्टल, इस तरह कर दें, यूनिट क्रिस्टल बस, ठीक है, यूनिट क्रिस्टल, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट जो है वो क्रिस्टल यूनिट क्रिस्टल में कितने लेटेस्ट पॉइंट है, तो इधर मैंने आपको पहले ही बताया था कितने होंगे, देयर विल बी, देयर विल बी कितने, वन, ओके, और इसमें कितने होंगे, टू, इसमें कितने होंगे, फोर, यस। अच्छा आप देखते हैं इसका जो थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, वॉल्यूम परमिटिव सेल, वॉल्यूम देखते हैं, परमिटिव सेल का वॉल्यूम देखते हैं, यानी अब इस परमिटिव सेल का वॉल्यूम देखते हैं वो कितना है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो इसमें तो एक ही लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है, एक ही लेटेस्ट पॉइंट है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इसका क्या आएगा, इसका ओनली ए ही क्यूब आएगा, ए क्यूब आएगा, ठीक है, बिकॉज इधर लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, वन है। अब इस सेकंड वाले का कितना आएगा, ये बीसीसी का कितने आएंगे, बीसीसी के ए क्यूब, ये तो टोटल वॉल्यूम में लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, टू, यानी ए क्यूब को यहां पर हमने वन से डिवाइड किया है, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वन लेटेस्ट पॉइंट है, वन से हमने डिवाइड किया है, यहां पर ए क्यूब है लेकिन लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, टू, सो हियर विल बी द वॉल्यूम परमिटिव सेल इज व्हाट, ए क्यूब डिवाइडेड बाय टू, एंड हियर ए क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, ये आप कहेंगे क्या, फोर, ठीक है, ये हमारे पास इसके वॉल्यूम परमिटिव सेल आ गए, ठीक है, ये डायग्राम में हटा देता हूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं कि नंबर, अब क्या देखने हैं इसका, अब देखते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट व्हाट वॉल्यूम, यहां पर ये वॉल्यूम जो नजर आपको आ रहा है, लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, आप देखते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहले एससी का देखते हैं, ठीक है, एससी को थोड़ी इधर ड्रा कर दे ताकि अच्छा लगे। अच्छा एससी का पहले देखते हैं, तो लेटेस्ट पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर जो आपको नजर आ, ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओनली लेटेस्ट पॉइंट्स, यहां पर मैंने लिखा है, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, ये जो है ये लेटेस्ट पॉइंट्स, ओनली लेटेस्ट पॉइंट्स कंसिडर करें कि क्रिस्टल में कितने हैं, यहां पर है कि लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट क्रिस्टल, क्रिस्टल में कितने वॉल्यूम है, यानी उसके पर यूनिट में आप निकालेंगे, तो इस ऑब्वियसली वन डिवाइडेड बाय ए क्यूब, यानी ए वन लेटेस्ट पॉइंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, और हेयर वन टू लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, हेयर फोर डिवाइडेड बाय व्हाट, ए क्यूब, यहां पर ए क्यूब है, ठीक है,
अब जो इसका लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं, 4 है डिवाइडेड बाय a क्यूब, यानी a क्यूब उसका वॉल्यूम, क्रिस्टल का वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है, ट्रांजिशन वेक्टर है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वो भी यूनिट ही आएगा, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं एटॉमिक फैक्टर। अब एटॉमिक फैक्टर इसका क्या आएगा, ये तो हो गई इन चीजों के बारे में बातें। अब आते हैं पैकिंग फैक्टर। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन, अब इसका क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा हमारे पास, एक मिनट बिटा देता हूं, अब इसका पैकिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज पैकिंग फैक्टर, इसका जो आएगा वो 42% आएगा, ठीक है, और द सेकंड वन का आएगा 68% और इसका आएगा 74%। ये चीजें तो आसान थी, ये तो हमने पढ़ ली। अब ये जो पैकिंग फैक्टर है ये आता कैसे है, ठीक है, इसका हमने कैसे कहा कि एक एटम आपने कंसीडर किया, इसी का एटम कंसीडर किया, उसका जो वॉल्यूम है, पैकिंग फैक्टर का वॉल्यूम है वो इतना आता है, इसका इतना आता है और इसका इतना आता है, कैसे आता है, अब ये निकालेंगे। सो आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले हम एस सी के लिए वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज ये, पहले आप ये समझ लीजिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम कंपेयर टू व्हाट, वॉल्यूम, ये क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ एटम कंपेयर टू द यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी एटम का वॉल्यूम एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द यूनिट क्रिस्टल या यूनिट क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। यहां मैंने क्रिस्टल ड्रा किया, ठीक है, अब ये बड़ा क्रिस्टल है, इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है, उस इस फेस के साथ मेरा काम है, उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक लेटेस्ट पॉइंट है, ये दूसरा लेटेस्ट पॉइंट है, ये तीसरा लेटेस्ट पॉइंट, ये चौथा, और भी फेसेस के साथ लेटेस्ट पॉइंट है। अब ये फेस मैंने कंसीडर किया, तो एक लेटेस्ट पॉइंट का यहां पर जो हिस्सा आता है वो क्या था, इसको हम क्या कहते हैं, यहां से ये पॉइंट थे, यहां ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर, इसको भी आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को ए, इससे बी कहते हैं, लेकिन यहां पर वेक्टर सेम है, हम ए कह लेते हैं। यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, और ए हमारे पास किसके बराबर है, व्हाट, टू आर, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं। अब ये क्या चीज है, एटॉमिक फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम जो है कंपेयर टू दी, यानी इसने कितनी जगह घेरी हुई है इस एटम ने, इस क्रिस्टल वॉल्यूम में, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल में कितनी जगह घेरी हुई है, तो हम पहले एस सी के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल लेते हैं, एटॉमिक व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एटॉमिक फैक्टर, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, सो वो किसके, यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल किसके बराबर है, पहले होता है ए क्यूब, यानी क्रिस्टल क्रिस्टल है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करा, सो ए जर्वे ए क्यूब, ऊपर जो है यूनिट वॉल्यूम पे है वो एक स्पेरिकल शेप है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr क्यूब। अब यहां पर ए क्यूब की जगह आप पुट कर सकते हैं, व्हाट, ए क्यूब की जगह आप 2r पुट कर सकते हैं, 4πr क्यूब डिवाइडेड बाय 2r होल स्क्वायर, विच विल गिव अस 4πr क्यूब डिवाइडेड बाय 8 × r स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या आया, r स्क्वायर आया, सॉरी r क्यूब आया, ये क्यूब है, सॉरी, ठीक है, ये क्यूब है, अच्छा, ये r cube के साथ खत्म हुआ, 4π/8 विच विल गिव अस 1/2 × π, ठीक है, 1/2 π, इसे अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 0.52 विच विल गिव अस 52%। सो ऐसे जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो किसके बराबर है, 52% है, ठीक है। अब हम निकालते हैं BCC के लिए, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, ये 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, ठीक है, इसके कैलकुलेशन कर दे आप कैलकुलेटर से, एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको गिवन में मिलेगी, ठीक है, 4/3, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा 2, सो 1/6 ये आपको वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आप कैलकुलेशन करके कर सकते हैं।
चलिए जी, अब हम निकालते हैं एटॉमिक पेकिंग फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर बीसीसी। अब बीसीसी के लिए हमें एटॉमिक फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो डायग्रामेटिक वो एक ही वीडियो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, वो हमारे पास होगा फोर आर विच इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आया, सो पहले हम ये फाइंड कर लेते फिर उतर जाएंगे। ठीक है, मैंने एक क्रिस्टल कंसिडर की, यहां पर एक सेंटर में एक एटम होगा, ठीक है, एक क्रिस्टल कंसिडर किया, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब ये बताइए कि यहां से ये जो डायगोनल आपको नजर आ रहा है, पहले मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, ये आपको नजर आ रहा है यहां पर कॉर्नर्स पे भी एटम होंगे, ठीक है, और इसके सेंटर पे भी क्या होगा, एक एटम होगा, इस तरह होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, आर, ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, आर, यानी ये आर है, रेडियस है। अब रेडियस एक सर्कल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं, और इससे इस डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2R के बराबर होता है। यहां पर एक लेटेस्ट पॉइंट है तो उसका क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 2R होगा, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी, A वेक्टर जो है, ये डायगोनल जो हमने ड्रा किया, यहां पर हम डायगोनल ड्रा करेंगे, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक हमने डायगोनल ड्रा किया, उसकी वैल्यू क्या आई, 4R, 4R आई, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई 2R प्लस 2R 4R, ये डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई, 4R आ गई, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट से मैं ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये वेक्टर मैंने ड्रा किया, ठीक है, इसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ का जो डिस्टेंस है उसे हम ए कहते हैं, और उस तरफ का जो डिस्टेंस है उसे भी हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है, इसे भी हम ए कहते हैं। अब इसको हमने एक्स कह दिया, अगर एक्स मालूम पड़ गया तो ये तो ए है, ये वाला वेक्टर तो ए है, ठीक है, ऊपर भी ए है, ये वाला वेक्टर तो ए है, अगर एक्स मालूम पड़ गया तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस करते हैं, पहले इसको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, पहले इस ट्राइंगल से पहले इस ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री, ये पॉइंट ओ, ओ से इस ओरिजिन, ओ से बी तक, ये वाला ट्राइंगल पहले कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये ए है, वो भी ए है, ये वाला एक्स है, तो पैथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते हैं, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये ए है, ये ये ये, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू पैथागोरस थ्योरम इज हाफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो बेस यहां पर ए है और परपेंडिकुलर जो है, सॉरी, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ए है, ए है, सो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर। हम इस तरह करते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट ले लेते, दिस विल बी दिस एंड स्क्वायर रूट, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट के साथ खत्म, टू अंडर रूट ए, एक्स की वैल्यू क्या है, 2√a आई। अब इस तरह करते हैं, सिग्मा 1 ट्राइंगल हम कंसिडर, ठीक है, अब इस तरह करते हैं, ये सिग्मा 1 दूसरा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें डायगोनल ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर बेस, सो 4r एट अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, फिर यहां पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, 4r स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस व्हाट, a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इस तरह करते हैं, 4r स्क्वायर जो है इस प्रोपोर्शनल, ये 60r स्क्वायर के बराबर हो गया, x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2a, वो हमने निकाल ली, अंडर रूट 2a होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, 16r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इसकी 16r स्क्वायर। अब इस तरह करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, दिस विल बी दिस, इसका अंडर रूट आ जाएगा 4r स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म, इसका आ जाएगा अंडर रूट 3a व्हिच इज द गिवन रिलेशन। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एटॉमिक फैक्टर, सॉरी एटॉमिक टेकिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक टेकिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइड बाय यूनिट एटम होगा, ठीक है, यूनिट क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब यहां पर एक बात याद रखिए, यहां पर कितने एटम है, मैंने पहले कहा लेटेस्ट पॉइंट कितने, लेटेस्ट पॉइंट या एटम जो भी आप कहें, दो होंगे, हमने पहले ही कहा था, एक ये क्रिस्टल का जो कॉर्नर से पड़ा, एक सेंटर में पड़ा हुआ है, सो हियर वी बी 2 इनटू एटम्स का वॉल्यूम कितना है, 2 एटम्स होंगे, जब वॉल्यूम कितना है,
4 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट क्रिस्टल का वॉल्यूम है वो क्या आएगा, ए क्यूब की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली सॉरी इधर हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए वी इक्वल टू व्हाट, 4 आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है। तो अगर यहां पर ए क्यूब, यहां पर ए क्यूब छोड़, यहां पर ए क्यूब है, सो यहां ए की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 4 आर डिवाइडेड बाय 3 होल क्यूब। सो यहां पर हम इस तरह करेंगे, 2 4 8 पाई डिवाइडेड बाय 3, 8 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 आर क्यूब, 4 के लिए अलग क्यूब, 3 के लिए अलग क्यूब, ठीक है, 4 बाय 3 अंडर रूट 3 है, यहां पर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 के ऊपर अलग से क्यूब ले लेते हैं, सो यहां पर आर क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, 8 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू, इसको उल्टा कर देते हैं, अंडर रूट 3 क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आगे आगे इस तरह कर, ठीक है, ये वैल्यू आगे, अब इस तरह करते हैं हम, ये 8 को इसके साथ खत्म कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 8, यानी 8 ये है और 4 क्यूब है, सो इसकी वैल्यू 64 है, 8 8 64, सो नीचे आ गया अंडर रूट 3 क्यूब, इक्वल टू अंडर रूट 3 क्यूब लिख दिया, पाई लिख दिया, नीचे क्या बचा, 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू वॉट 8 बचा, अभी अंडर रूट 3 को क्यूब है इसके ऊपर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, ठीक है, ये 3 3 के साथ कैंसल हो जाएगा, एकदम यहां पर कुछ गलती कर दी हमने, ठीक है कोई गलती, अंडर रूट 3 बाई, ठीक है, अच्छा 3 3 के साथ खत्म हो जाएगा, सो अंडर रूट 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 इज एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स बी सी सी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इससे अगर आप, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा, कैलकुलेशन बाद में आप फिर कर लेना खुद, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 62 सॉरी इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास किसके बराबर थी, 68, सो 0.68 आएगा, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 68%, ये एफसीसी के लिए सॉरी बीसीसी के लिए है, अब निकालते हैं हम एफसीसी के लिए, ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉर व्हाट, फॉर एफसीसी फेस सेंसिटिविटी, इस तरह करते हैं हम फिर से डायग्राम ड्रा करते हैं, सॉरी क्रिस्टल ड्रा करते हैं, अब क्रिस्टल का हम बकाया हिस्सा नहीं ड्रा करेंगे, सिर्फ ये जो फेस वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये सब हमें ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए फेस क्रिस्टल क्यूबिक में सॉरी फेस क्यूबिक सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, एक ये हुआ, एक ये और मैंने कहा था हर फेस पे भी क्या होगा, एक एक क्रिस्टल सॉरी लेटेस्ट पॉइंट होगा और वो दो क्रिस्टल शेयर करेंगे, सो यहां पर भी एक क्रिस्टल हुआ, अब यहां से हम डायगनल ड्रा करते हैं, एक पॉइंट ये यहां से हम डायगनल ड्रा करते हैं, ये जो डायगनल, अच्छा आपको डायगनल नजर आया, इस डायगनल की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, सो यहां से यहां तक का ये तो डायमीटर है और डायमीटर विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 2 आर, सो यहां पर डायगनल की वैल्यू क्या हुई, 4 आर, ठीक है। अब इधर से इस पॉइंट ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वो हमने कहा था यूनिट लेवल क्रिस्टल है, सो इधर विल बी ए एंड ऑल्सो ए, यहां पर भी ए, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पर इस तरह करते हैं 2a² आ जाएगा, इसका जो रिलेशन है ना ये हमारे पास इक्वल होगा 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, इसका जो रिलेशन आ रहा है, अब ये निकाल रहे हैं हम सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल रहे हैं, ठीक है, सो 2a आएगा, यहां पर आ जाएगा 16r² दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, ये 4r विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 2 स्क्वेयर अंडर रूट के साथ 2a, ये वाला रिलेशन आया एफसीसी के लिए। अब हम इसका वॉल्यूम एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एटम कितना है, 4π/3r³, ये है ना, बट एफसीसी में कितने लेटेस्ट पॉइंट हुआ करते थे, पहले मैंने कहा था फेसेस 6 फेसेस हैं, 6 वाले फेसेस पे कितना होगा, एक एक एटम होगा, एक लेटेस्ट पॉइंट होगा, हर एटम जो है वो दूसरे क्रिस्टल के साथ वो हाफ शेयर करेंगे, सो 6 है, 6 का हाफ इनको मिला, 6 / 2 व्हिच इज गिवन अस 3 जमा 1, ये कोने पर हर कोने पर क्या है वो टोटल, इसको हम एड अप करें तो क्या लेटेस्ट पॉइंट है, 1 लेटेस्ट पॉइंट ये है, तो 3 जमा 1 4, सो यहां पर 4 एटम है, वी मल्टीप्लाइड विद हियर 4 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय
इसका डिवाइड कैसे करना है, इसको हमने वॉल्यूम जो है क्यूबिक क्यूब आपको नजर आ रहा है यूनिट क्यूब जो है इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए क्यूब, एंड हियर ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, अंडर रूट ए क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये वाली वैल्यू आ रही है। सो ए की वैल्यू हम यहां पर करते हैं, यहां पर आएगा 4, इस तरह करते हैं ये कंबाइन कर लेते हैं 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय ए क्यूब की वैल्यू क्या है 4 क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट अंडर रूट 2 क्यूब। सो यहां पर आर क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 16, सो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, सो स्क्वायर के साथ एक ये खत्म हो जाएगा, रह जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 2 एंड देन 4 कैंसिल विद 4 एंड अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, सो अंडर रूट 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दे एग्जैक्टली आप निकाले, सो 72%, यानी इसका जो लास्ट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सॉरी 74 है ये, ओके 0.74 आएगा, ये 0.74 आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करें 72%, यानी कि एफसीसी में जो आपका डिस्टेंस वो होगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होगा वो कितना होगा 74% निकलेगा, ठीक है। पाई डिवाइड बाय यहां पर पाई डिवाइड 3 नीचे में, सो ये पाई डिवाइड बाय अंडर रूट है 3, पाई डिवाइड बाय अंडर रूट 3 है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन अगर आप नहीं दबाए तो वो दबाइए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।